हेलो दोस्तों और छात्रगण, कैसे हैं आप लोग। मैं स्वरूप सर, ज्योग्राफी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं जेपीएससी प्रीलिम्स, दैट मीन्स प्रारंभिक परीक्षा के पेपर टू का सिलेबस से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, और हम ये देखेंगे कि कौन से टॉपिक से जेपीएससी के पेपर टू में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किसका क्या इंपॉर्टेंस है किस टॉपिक का, और किस टॉपिक से मैक्सिमम प्रश्न कितने पूछे जाएंगे। साथ ही हम ये जानेंगे कि उस जेपीएससी के पीटी के पेपर टू जो झारखंड का सामान्य ज्ञान है, उसमें भूगोल का रोल, रोल ऑफ ज्योग्राफी कितना है और उसका कितना इंपॉर्टेंस है। तो छात्रगण और दोस्तों, आप यहां देख रहे होंगे मैंने हेडिंग डाला है जेपीएससी पेपर टू का पीटी 200 मार्क्स, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन 100। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि 200 नंबर का है, क्वेश्चन 100 है, मतलब ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। जेपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, माइनस मार्किंग नहीं होती है। जो जेपीएससी का पेपर टू पीटी का जो हेडिंग है, जो नाम दिया गया है, उसका नाम दिया गया है झारखंड सामान्य ज्ञान, झारखंड जनरल स्टडीज। मतलब यह स्पष्ट है कि जेपीएससी सिलेबस में एक पेपर वन है और एक पेपर टू है, दो परीक्षाएं होगी 4 पीटी के लिए। उसमें से पेपर वन रहेंगे आपके सामान्य ज्ञान, जनरल स्टडीज। जो पेपर वन होगा उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, और वहां भी 200 नंबर रहेगा फुल मार्क्स, दैट मींस ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो छात्रगण, मैं बोला कि जेपीएससी के पीटी में दो पेपर होते हैं, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन जो होता है उसमें सामान्य ज्ञान होता है, उसमें सारा सब्जेक्ट इंक्लूड होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, गुड गवर्नेंस, खेलकूद, सारा उसमें इंक्लूड होता है। किसमें? पेपर वन में। जबकि पेपर टू में पूरा का पूरा क्वेश्चन, 100 का 100 क्वेश्चन केवल और केवल झारखंड से ही पूछी जाएगी। मतलब पेपर वन में टोटल सब्जेक्ट इंक्लूड है, जबकि पेपर टू में झारखंड सामान्य ज्ञान में सारा का सारा क्वेश्चन, 100 का 100 क्वेश्चन केवल झारखंड से ही पूछी जाएगी। अब दोस्तों छात्रगण, आप ये देखिए, मैंने सिलेबस लिखा है और मैंने इसमें लिखा है कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किसमें? पेपर टू में, झारखंड के सामान्य ज्ञान में। जैसे छात्रगण, मैं लिखा हूं झारखंड जनरल स्टडीज पेपर टू पीटी 200 मार्क्स 100 क्वेश्चन। मैं यहां लिखा हूं पेपर टू का सिलेबस। आप सिलेबस देखिए, मैं पढ़ रहा हूं झारखंड इतिहास, खासकर झारखंड के जनजातियों की शासन व्यवस्था, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, किसकी? ट्राइबल की। 8 प्रश्न रहेंगे उससे। झारखंड मूवमेंट,
से साथ रहेंगे। इसमें आपको ट्राइबल मूवमेंट भी पढ़ना है, जनजातियों के आंदोलन भी पढ़ने हैं। झारखंड की विशिष्ट पहचान, जब बोलेंगे विशिष्ट पहचान तो ये बोल रहा है झारखंड की विशिष्ट पहचान, क्या पहचान? सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सारा पहचान। लोक साहित्य और साहित्यकार, कौन कौन साहित्यकार हुए, उन्होंने कौन कौन किताबें लिखी, किताबों का क्या नाम है। अब उस साहित्य जो है, लिटरेचर जो है, वो कौन कौन भाषा में लिखी गई, इससे 10 प्रश्न पूछ जाएंगे, 10 क्वेश्चन। यहां पे जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जितने शिक्षण संस्थान है, और यहाँ का जो खेल कूद है, कौन प्लेयर हुए, कौन फेमस हुए वर्ल्ड में, इंडिया में कौन फेमस हुए, कौन कौन ग्राउंड है यहाँ पे, खेल का मैदान है कहाँ पर है, किसका क्या नाम दिया गया है, तो शिक्षण संस्थान और खेल कूद से 8 प्रश्न रहेंगे। अब यहाँ से शुरुआत हो रहा है नंबर 6 से ज्योग्राफी, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैंने यहां लिखा है सब्जेक्ट ज्योग्राफी। झारखंड के आर्थिक भूगोल, उसमें झारखंड का भौतिक स्वरूप, नदी, पहाड़, पर्वत, खनिज सब पढ़ना है, इससे प्रश्न आपके 10 रहेंगे, 10 प्रश्न। झारखंड के इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उद्योग, उसका विकास, उसकी स्थापना से प्रश्न रहेंगे 11। नो डाउट इसका रिलेशन भूगोल से ही है, लेकिन इसे अलग कर दिया गया है। झारखंड के फॉरेस्ट, उसका मैनेजमेंट प्रबंधन, झारखंड में होने वाली पर्यावरण जो हो रही बीत रही है, इन्वायरमेंट्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क से प्रश्न रहेंगे आपके 12। इसमें भी नो डाउट कि फॉरेस्ट हो चाहे एनवायरमेंट हो चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, है तो नो डाउट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बोलिए वो भूगोल का ही पार्ट्स है। आपदा प्रबंधन से 5 प्रश्न, झारखंड करंट अफेयर से 7 प्रश्न, CNT SPT, ये भूमि संबंधी कानून है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लैंड संबंधी पॉलिसी है, उस भूमि कानून से संबंधित 12 प्रश्न रहेंगे, और ये प्रश्न भी कहीं ना कहीं भूगोल से ही संबंधित है। और झारखंड की योजनाएं जो चल रही है उसे 5 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार छात्रगण कुल प्रश्न कितने हुए, तो प्रश्न टोटल हुआ 100 प्रश्न हुए। तो छात्रगण आप ये देखिए कि JPSC के पेपर 2 में जो आपको पढ़ना है झारखंड का जनरल स्टडीज, उसमें बहुत बड़ा रोल है ज्योग्राफी का, भूगोल का। इसलिए छात्रगण रोल तो इस टॉपिक का है, लेकिन बहुत बड़ा रोल भूगोल का भी है, और ये ध्यान रखा जाए छात्रगण, ऐसा बिल्कुल नहीं है ये ऐसा सिलेबस में लिखी गई है, इसका ये अर्थ नहीं है कि समसामयिक झारखंड करंट से 7 लिखा है तो 7 ही पूछा जाएगा, 10 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। मतलब क्वेश्चन का ये एवरेज है 7-5 सिलेबस में लिखी गई है, लेकिन ये घटती बढ़ती है जैसा 6 JPSC का PT में प्रश्न पूछा गया है। और छात्रगण सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखना है कि जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको झारखंड के करंट से जोड़ के ही बात करनी है, चाहे वो खेल कूद हो, विशिष्ट पहचान हो, लोक साहित्य हो, आर्थिक नीति हो, पर्यावरण हो, आपदा प्रबंधन हो, CNT SPT संबंधित कोई करंट की बात होती हो,
मतलब इस टॉपिक में आपको अगर इससे रिलेटेड, इससे संबंधित अगर कोई करंट घटना घटी है तो नो डाउट वो बहुत ही इंपॉर्टेंस है उस टॉपिक का। जैसे झारखंड फॉरेस्ट लिखा गया है तो तुरंत इसको देखना है कि अभी करंट में इससे क्या रिलेशन है, कहां जनसंख्या कहां बढ़ गई, कहां बढ़ गई फॉरेस्ट, कहां घट गई, कहां एकदम घट गई, कहां एकदम बढ़ गई, कौन कौन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नई बनी है, कौन पुरानी है, इस सब चीज से आपको सेंटीएसपीटी 1908 और 1949 का है। लेकिन आपको ये देखना है कि सेंटी और एसपीटी जो 1908 और 1949 का है इससे करंट में कौन सी घटना घटी है। अगर कोई टॉपिक से करंट से कोई घटना घट गई है तो नो डाउट वही प्रश्न इंपॉर्टेंस है अगर उस टॉपिक से कोई घटना वर्तमान में घटी है। तो छात्रगण और दोस्तों, आपको मैंने यहां एक सिलेबस लिखाया है ताकि जब आप पढ़ाई शुरू करें आज से तो ध्यान रखा जाए कि किस टॉपिक पर कितना आपको ध्यान देना है। और इस पूरे टॉपिक में लिखा है झारखंड समसामयिक 7 प्रश्न, लेकिन मैं बोला कि समसामयिक 7 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे और आपको ये देखना है कि किससे अगर कोई घटना घटी है करंट की वहां भी आएगा। तो आप 6 JPSC का क्वेश्चन पे गौर करें, एनालिसिस करें, 6ठी प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 2 के क्वेश्चन पे गौर कीजिए तो 25 से 30 प्रश्न इसी टॉपिक में करंट से लिंक करके आपको पूछी गई है। तो छात्रगण बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, मैं बोल रहा हूं 6 JPSC में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो करंट से जोड़कर उसे 25 से 30 प्रश्न बना दी गई है। तो आप सोचते होंगे कि लिखा हुआ है समसामयिक से 7 प्रश्न पूछ रहा है 25 से 30, तो मैं तो पहले बता दिया छात्रगण आपको कि आपको किसी भी टॉपिक से करंट को जोड़ के पढ़ना है, अगर घटना घटी है तो वही इंपॉर्टेंस है, वही महत्वपूर्ण है। तो छात्रगण हम यहां बात करेंगे भूगोल का, क्योंकि मैं आपको इस झारखंड के GS पेपर 2 का सिलेबस जो है, झारखंड का सामान्य ज्ञान, उसका झारखंड का भूगोल, औद्योगिक नीति, उद्योगों का विकास, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, CNT SPT और योजनाएं, मैं स्वरूप सर आपको पढ़ाऊंगा और विस्तार पूर्वक आपको नोट्स भी लिखवाऊंगा। तो छात्रगण और दोस्तों, आप ये ध्यान रखें कि जब भी देखा जाए तो एक प्रकार से JPSC का पेपर 2 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 100 प्रश्न है और पेपर 2 का नाम दिया है झारखंड सामान्य ज्ञान, एक प्रकार से यह ऑप्शनल पेपर है। जैसे पहले PCS और UPSC और अदर्स PCS में एक पेपर GK होता था, GS, और एक पेपर होता था चॉइस पेपर PT में। देखा जाए तो यहां चॉइस नहीं है, आपको यहां ऑप्शन पेपर जो चॉइस था उसके जगह में अनिवार्य कर दिया गया है, आपको अनिवार्य विषय में पेपर 2 आपको झारखंड का ही पढ़ना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। स्पष्ट रूप से है कि जो पेपर है जनरल GS उसमें मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं आ पाता है, निश्चित तौर पे, सॉरी, आपके सिलेक्शन हेतु आप चाहते हैं कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा क्लिक हो जाए, निकल जाए,
तो आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस पेपर टू पे होनी चाहिए। पेपर टू चूंकि एक टॉपिक से है, सॉरी एक विषय से है और सारा विषय झारखंड से ही है, उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और आप और ये अनेक सब्जेक्टों की ओर नहीं जाना है, अगर जाना भी है तो केवल झारखंड पर ही जाना है। इसीलिए आपको पेपर वन पे तो ध्यान देना ही देना है, पेपर टू पे आपको विशेष ध्यान देना है ताकि आप जेपीएससी का पीटी क्वालिफाई कर जाएं और आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकें। छात्रगण, यद्यपि इस सिलेबस में बहुत सारी बातें मुख्य परीक्षा में भी इंक्लूड है और इसीलिए आपको इतना ध्यान से पढ़ना है ताकि जब मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करें तो सारा जानकारी पहले से हो चुका हो। यद्यपि छात्रगण, मैं सलाह देता हूं लोगों को और ये बिल्कुल सत्य बात है कि सबसे पहले तैयारी मुख्य परीक्षा के भी कर सकते हैं। अगर आप तैयारी करेंगे मुख्य परीक्षा का तो पीटी का तैयारी 50% से ऊपर हो जाती है। अब आपकी च्वाइस है, लेकिन मैं यहां बात करूंगा जेपीएससी पेपर टू जनरल जीएस किसका, झारखंड का। तो छात्रगण आप ध्यान दीजिए, भूगोल पर मैं लिखा हुआ यहां, मैं यहां लिखा हूं झारखंड का आर्थिक भूगोल, यहां पढ़ना है झारखंड का सामान्य परिचय, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड। इसके अलावा पर्वत, पठार, नदी, खान, खनिज, सिंचाई परियोजनाएं, वही नदी घाटी परियोजना, ये सारी बातें आपको आर्थिक भूगोल में पढ़ाया जाएगा। झारखंड अलग होने के पश्चात कौन कौन सी नीतियां आई, कौन कौन सी इंडस्ट्री पॉलिसी आई, कितनी बार आई, सबसे रिसेंट वाली पॉलिसी कौन है, उस औद्योगिक नीति में इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कौन सी बातें कही गई है जिसके वजह से उद्योगों का विकास हो जाए, उद्योग का विकास कैसे हुआ, कब कब इंडस्ट्री लगाई गई और इंडस्ट्री लगाई गई तो लगाने के पीछे का मकसद क्या था। अगर कोई इंडस्ट्री कहीं सेटअप किया गया, स्थापना किया गया, तो स्थापना जब किया गया तो उसको कौन कौन सा फैसिलिटीज मिला, कौन कौन सा विशेषताओं का कारण, कौन कौन सी विशेषता मिली जिसके कारण वो वहां डेवलप हो पाया। जैसे 1907 में झारखंड में पूर्वी सिंहभूम के साक्ची नामक स्थान पर जमशेद जी टाटा के द्वारा टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई। तो किया गया तो उसको स्थापना किया तो उसको बिजली, पानी, लौह अयस्क, ट्रांसपोर्टेशन की कौन कौन सी फैसिलिटी मिली जिसकी वजह से डेवलप कर पाया, ये आपको पढ़ना है। कौन कौन सा उद्योग हुआ, कब कब विकास हुआ, बोकारो, टिस्को, इंडियन एल्युमिनियम फैक्ट्री, इंडियन एक्सक्लूसिव फैक्ट्री गोमिया वाली, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, नदी घाटी परियोजनाएं 1948 डीबीसी, उससे रिलेटेड डैम, इसके नीति होने से कैसे कैसे विस्थापन हुआ, कैसे कैसे लोगों का माइग्रेशन हुआ, माइग्रेशन की क्या पॉलिसी हुई, उस पॉलिसी में जब माइग्रेट लोग कर गए तो उसको सेटअप करने का सरकार का क्या क्या नीतियां आई, विस्थापन नीति और उसे विस्थापन के पश्चात पुनर्वास नीति कौन कौन आई,
ये सारी बातें आपको इस नंबर से होने पढ़ना है जिससे प्रश्न की संख्या 11 होगी। झारखंड फॉरेस्ट पर्यावरण अभ्यारण्य, यहां का फॉरेस्ट का टाइप्स कैसा है? फॉरेस्ट किसी भी स्थान पर अच्छे इन्वायरमेंट के लिए कम से कम 33% वनों का होना अति आवश्यक है। तो हमारे यहां फॉरेस्ट कितना है? तो हमारे यहां फॉरेस्ट अभी 29.61% है। उसमें से फॉरेस्ट सबसे डेंस कहां है, घनत्व कहां ज्यादा है, कहां सबसे कम है, यह जानना है। आपको यह भी जानना है कि झारखंड के इन्वायरमेंट में क्षति कैसे हो रही है, क्षति क्यों हो रहा है। उस क्षति को रोकने के लिए, इन्वायरमेंट्स को रोकने के लिए, खासकर क्षति को रोकने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी लाई जा रही है, पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन सा यहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन कौन वन्य प्राणी श्रेणी है, कहां कहां नेशनल पार्क है। झारखंड में मात्र एक ही नेशनल पार्क है और 10 से ऊपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, यह पढ़ना है आपको। साथ में यह पढ़ना है कि सेंटी और एसपीटी जो भूमि संबंधी कानून है, वो कानून क्यों लाया गया, कितने आर्टिकल है, कितने अध्याय हैं, उसमें कौन कौन से आर्टिकल में कौन कौन सी बातें कही गई है, इसके आने से क्या यहां के मूल निवासी जनजाति का जो भूमि से बिलगा हो रहा था वो रुका या नहीं रुका, उसमें कौन कौन सी खामियां है, कौन कौन बदलाव की आवश्यकता है, गवर्नमेंट के द्वारा अलग हो, झारखंड अलग होने के पश्चात उसमें कौन कौन सी बातें लाई गई है ताकि लोगों का अपनी जमीन से विस्थापन रुक सके। इस सारी बातें आपको सीएनटी और एसपीटी में पढ़नी है। तो छात्रगण, आपने ये देखा आज कि जेपीएससी के जो पीटी का पेपर टू प्रश्न है, पेपर टू का प्रश्न जो 100 पूछा जाएगा और उसका जो पाठ्यक्रम है वो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम झारखंड के सामान्य ज्ञान से है और उस सामान्य ज्ञान में सभी विषयों के साथ भूगोल का एक सबसे महत्वपूर्ण रोल है। तो छात्रगण, आप जब पढ़ाई शुरू करें तो इस टॉपिक पर प्रश्नों के अनुसार उस पर विशेष ध्यान दें और खासकर इस टॉपिक को करंट से जोड़ के आप पढ़ाई करें तो आपको पीटी निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू।